गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6। और एक्सरसाइज 7.6 जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, कि 9 तक किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब उसी श्रृंखला में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, कह रखा है कि साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखें, तो हमको एक बात पता होती है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। और हमको पता है ये जो एक्सरसाइज है, ये पार्शियलम बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट की है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हमको पता होना चाहिए, इसमें एक वैल्यू भी माननी पड़ेगी, साइन इनवर्स एक्स का होल वर्क, ठीक है, इंटू में कितना 1, ठीक। अब हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। हमको बात पता हो जाएगी जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन जो है किसको मानेंगे हम लोग, मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे। हमने एक बार नहीं 200 बार बताया है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है हम लोग देखते हैं कि यदि जिसका इंटीग्रेशन ना हो सके, ठीक है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। सेकंड फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। तो अब उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आई इक्वल टू अगर लगाएंगे फार्मूला तो बनेगा क्या कि साइन इनवर्स को रोक दिया, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन क्या है, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, क्लियर रहेगा कि नहीं क्लियर रहेगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे अगर देख लिया जाए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इसका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का, अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इनटू यहाँ पे कितना जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनटू में हो जाएगा एक्स, क्लियर रहेगा। यहाँ से अगर देख लिया जाए आई इक्वल टू, अगर हम लोग देखें आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग, ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा देख लेते हैं। अंदर जो बचेगा हमारे पास पोर्शन, वो आ जाएगा साइन ओवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल के करना पड़ेगा, तो आई वन इक्वल टू क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी फर्स्ट फ्रंट सेकंड फ्रंट लगेगा, तो आई वन इक्वल टू अगर देख लिया जाए साइन ओवर्स को रोक देंगे, साइन वर्स एक्स को रोक दिया, इनटू इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग निकाल लेते हैं, तो एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, जब इसको टी मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt बनेगा, ठीक है। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस dt अपान 2x बनेगा, ठीक है। हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये देखें जो जाएगा dt माइनस का dt अपान 2x अंडर रूट का t बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे x था तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का dt अपान 2√t, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे t को, तो ये हो जाएगा t की पावर, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 जोड़ देते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे यही वाली तो ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ भी ये 1/2 हो जाएगी, अब तो बात समझ में आ रही है, इनटू 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया √t का मतलब क्या हुआ माइनस का रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी, इसका इंटीग्रेशन जहाँ कहीं भी एक्स लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, काम हो जाएगा खत्म वहाँ से, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमको पता हो गया है, इसका इंटीग्रेशन की तरह माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस की अगर बात कर दें अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे यदि माइनस अगर देख लिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आएगी,
तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये बनेगा हमारे पास कितना साइन इनवर्स एक्स का कितना वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस का है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस में वैल्यू ये कितनी निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर मतलब एक्स अपान, ये हमारे पास ये निकल के आएगा कितना अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई वन इक्वल टू कितना निकल के आया, ये निकल के आया माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना देगा प्लस का एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, प्लस का सी वन उठा के वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर हम लोग देखें इसको रफ कर दें यहाँ पे। ठीक है, कोई विशेष की आवश्यकता अब नहीं है, जितना काम था उतना हमने कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हमारे पास दे रखा क्या आई वन। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो आई इक्वल टू अगर देख लिया जाए यहाँ पे कितना बनेगा, आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग भाई बनेगा, और हमको एक बात बताए माइनस टू की अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी टू तो रहेगा इसके साथ में ही, टू इसके साथ में रहेगा, और इंटू में कितना साइन इनवर्स एक्स बनेगा। ठीक है, अब माइनस का इधर मल्टीप्लाई करने का माइनस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस का टू एक्स, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ रहा है कि एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग। ठीक है, प्लस टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। एक बार इसका क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका आंसर क्या बनना है, यही बनना है। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन यही आ रही है निकल के। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कैसे सिचुएशन बन रही है, बहुत ही आसान है सिचुएशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से है, आपको समझना है करना क्या है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो दे रखा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे बता चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता कि नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आई है, अगर देख लिया जाए फर्स्ट फंक्शन को मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन अगर देख लिया जाए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को मानेंगे ये हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इसको मानते हैं। ठीक है, तो अगर देख लिया जाए आई इक्वल टू अगर देख लिया जाए आई इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग ऐसे रोक देंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे रोक दिया, और हमको पता है इसका इंटीग्रेशन अभी हम निकाला है। ठीक है, कितना है इनटू का माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ठीक है भाई, यही तो इंटीग्रेशन है इसका। ठीक है, माइनस लगा देंगे यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स अगर देख लिया माइनस का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, और इसका कितना हो जाएगा इनटू में कितना माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट कितना देगा माइनस का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू में अगर देख लिया जाए। ये हमारे पास सिचुएशन कौन सी बन रही है, ये बन रही है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये प्लस वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कोई डाउट। अब हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं कि आई वन इक्वल टू अगर देख लिया जाए ये क्या बनेगा, माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू का कितना कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स प्लस सी, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, तो आंसर एक बार मैच कर लेते हैं फिर हम आपको फिर से बता देते हैं सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, यही आंसर निकल के आ रहा है।
तो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? ठीक है, कि कैसे हम सिचुएशन बना रहे हैं, कि कुछ चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, जैसे इसका इंटीग्रेशन जो है आप याद भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आसानी हो गए कि आप इसको ये मतलब जो है कर भी लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता भी चुके हैं, इसको टी मान लेंगे तो ये ऊपर वाली कैंसिल आउट हो जाएगी और रूट टी को ऊपर ले जाएंगे और टी की पावर -1/2 होगा और प्लस वहाँ पे 1 जोड़ देंगे, उसके बाद में ऊपर देगा टी की पावर 1/2, नीचे देगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास टी मतलब √T, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है, तो बात क्लियर हो पा रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही सभी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आसान इसीलिए रहता है क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती वही आपके पास वही चीज़ें होती हैं कि ये आसान नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बाद में अब हम लोग 12 पे देखें, 12 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, कह रखा है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक बार देखो प्यारे कि हमको एक बात समझ में आ रही है क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को मानेंगे, अब तो आपके पास कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, क्योंकि क्या बहुत बार ऐसे बता चुके हैं फर्स्ट फंक्शन क्यों मानेंगे, किसको मानेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है, होना भी चाहिए आपके पास कॉमन सेंस, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा है भी आपके पास। फर्स्ट फंक्शन इसको कहते हैं, यहाँ पे देखें एक्स को मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन किसको कर दें, सेक स्क्वायर को कर दें, क्योंकि हमको पता रहता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, टेन एक्स का कितना होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आई इक्वल टू कर देख लिया जाए, फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब एक्स को रोक देंगे तो 1 हो जाएगा, टेन एक्स इधर हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, अब अगर देख लिया जाए आई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन अगर निकाल लिया जाए टेन एक्स का तो कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, क्लियर रहेगा कि नहीं, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन निकल के आती है, ये हमारे पास सिचुएशन निकल के आएगी, ठीक है। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं फिर हम आपको बता देते हैं क्या बनेगा सिचुएशन, ठीक है। क्लियर रहेगा कि नहीं, लेकिन एक बात समझ लें, ये टेन एक्स का माइनस होता है ना तो ये प्लस हो जाएगा, इतनी बात समझ लें, यहाँ पे प्लस बोल गए थे तो अपना देख लें माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो यही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे सिचुएशन बन रही है, क्योंकि हमको पता होता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का लॉग, भाई यहाँ पे हमने बताया था कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है ना, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है ना और प्लस का सी, ठीक है, यही तो बात निकल के आई थी, तो इसीलिए ये यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का सिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस दे रखा था शुरुआत से ही, ठीक है, क्लियर रहेगा। कोई डाउट हो तो आप डाउट को बता सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो दे रखा है टैन इनवर्स, ये दे रखा है टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको, भाई टैन इनवर्स एक्स दे रखा है ना, तो हमारा काम क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पे आई पहले देखें फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन प्यारे किसको माने, टैन एक्स टैन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लें, सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, सेकेंड फंक्शन अगर देख लिया जाए एक्स को मान लेंगे, बोलो क्लियर है कि नहीं, भाई फर्स्ट फंक्शन इसको मान लें टैन इनवर्स एक्स को मान लें और सेकेंड फंक्शन इसको मान लें एक्स को मान लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया टैन इनवर्स एक्स को रोक दिया, सेकेंड फंक्शन का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, अरे सॉरी 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 यहाँ पे वन था, वन टेन इंटू वन था, टेन इनवर्स इंटू वन, क्योंकि वन ही तो रहेगा, ठीक है,
इसको हम लोग लिख देंगे अब एक्स, इसको लिख देंगे एक्स, क्लियर है। अब टेन वर्स इसका इंटीग्रेशन कितना देखा, वन अपान मतलब डिफ्रेंशिएट, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाई आई इक्वल टू कितना जाएगा एक्स टेन वर्स एक्स माइनस का एक्स अपान यहाँ पर जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि यदि इसका एंट्री मतलब इसको अगर टी मान लिया जाए, यदि इसको टी मान लिया जाए मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी यदि मान लिया जाए तो ये क्या होगा, ये जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा, ऊपर टू का जो है कुछ लफड़ा पहुँच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर दें टू से इधर मल्टीप्लाई वन अपान टू ऐसे कर दें, बोलो यही तो बात लिखी जा सकती कि नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। तो हमने ये बात लिख दी, तो अब हम लोग यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी अगर मान लें तो हम लोग देखेंगे क्या, आई इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, इसको जब टी मानेंगे तो इसका अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन जो निकल के आएगी वो बनेगी हमारे पास क्या, ये हो जाएगा कितना, ये तो डी डी टू एक्स इंटू डी एक्स को डी टी में कर देंगे ना, तो डी टी अपान टी, बोलो राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आई इक्वल टू एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा लॉग टी, ठीक है। अब प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये लॉग टी की वैल्यू कितनी है, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर रहेगा कि नहीं। हमें नहीं लगता यहाँ पे आपको किसी प्रकार का डाउट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं फिर हम आपको बता देते हैं विधिवत, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। देखें ये देखा था कि 30 नंबर क्वेश्चन है, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स ये दे रखा है कि टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो हमने बताया था जब सिर्फ एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसके मल्टीपल में कुछ नहीं है, ठीक है, हमको पता करना पड़ता है f1 into f2 by f1 और into f2, तभी तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना। तो जब हमारे पास अवेलेबल ना हो एक दूसरा फंक्शन कोई, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो वो वन मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सेकंड फंक्शन को वन मान लिया, ठीक है, अधिकतर। और होता क्या है, आप लोग ये ध्यान रखें, हमेशा जो सेकंड फंक्शन जिसको मानते हैं वन, ठीक है, मतलब जो इनटू में वन लिखते हैं ना वो हमारा सेकंड फंक्शन ही होता है, ठीक है, वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, ये बात ध्यान से समझ लें, ठीक है, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग किसी और चीज़ पर मूव करेंगे तो वो चीज़ें बन नहीं पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि किस मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है दे रखा है एक्स इंटू लॉग एक्स का होल वर्ग, ठीक है, यही तो है। तो करना क्या पड़ेगा, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, ठीक हो। यहाँ पे है क्या कि फर्स्ट फंक्शन जो मानेंगे वो हो जाएगा लॉग एक्स का होल वर्ग हो जाएगा, और जो सेकेंड फंक्शन मानेंगे वो हो जाएगा एक्स। अब सभी आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। और फार्मूला इसे कौन सा अप्लाई कर देंगे पता होना चाहिए, वही f1 into f2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, f1 को रोक दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन f2 का, इंटीग्रेशन f2 का माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, ठीक है, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट। और इसको इम्प्ली करने के बाद
अब फिर हम लोग आंसर निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल राइट आएगा क्योंकि आप राइट वे से करेंगे जब, ठीक है। अदरवाइज फिर रॉन्ग हो सकता है। कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान भी रखें, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस हो जाए तो उसको जो है अपने आप दुरुस्त कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखे हैं, और यदि किसी को डाउट भी आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पहुँचें, कमेंट करें तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।